जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो भी सरकार बनने वाली है उससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं वो जानने के लिए एक बार फिर हम आ पहुंचे हैं जम्मू के दिल में, यानी कि जम्मू की ओल्ड हेरिटेज सिटी में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो सरकारों से आखिर क्या उम्मीद करते हैं और उनकी आखिर डिमांड्स क्या क्या हैं। चलिए चलते हैं। सुंदर सोनी, क्या आप आने वाली जो भी सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद है आपकी, कि क्या क्या आपकी डिमांड है जो आप चाहते हैं कि पूरी होनी चाहिए उसके? डिमांड तो यही है कि जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, पब्लिक को किसी तरह की कोई बाधरेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जम्मू के अंदर जो डेवलपमेंट कम हो रही है, जैसे सिटी के अंदर जो पुरानी सिटी है उसके अंदर जो डेवलपमेंट कम हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रोड टूटे हुए हैं, फुटपाथ टूटे हुए हैं, आने जाने की दिक्कत है, जगह जगह जाम लग रहे हैं। सर, लेकिन जेएमसी ने तो बोला था कि हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो तभी हम फुटपाथ बना रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी इन्होंने बस ऐसे एक फर्दली मान लो कि पास किया हुआ नक्शा, लेकिन जो प्रॉपर जो सिटी को जिसकी अकॉर्डिंग बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत है वो इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए, ये बाजार आगे कम चौड़ा था, इसको इन्होंने फुटपाथ बना दिया, उसकी चौड़ाई और कम हो गई है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक हो जाती है, जाम लगते हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, बाजार वालों को दिक्कत होती है, जिसकी वजह से यहाँ की मार्केट वैल्यू कम हो रही है। और मान लो कि अगर कोई सुविधा देना चाहते हैं वो जो ऐसी दें जिसकी पब्लिक को सेफ्टी फीस लो, यानी कि जिसमें अजय है उसकी भलाई हो। उसके अलावा आप और क्या चाहते हैं बेसिक? उसके अलावा यही है कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हमारे जो भी जैसे कहीं सेंटर बनते हैं, दूर दूर बनते हैं, बच्चों को परेशानी होती है। आजकल जो इन्होंने बनाया हुआ है कि आपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एक पेपर देना पड़ता है। अब मान लो रजौरी का बच्चा वो अमृतसर जा रहा है, जम्मू का बच्चा वो मान लो कहीं और खज्जल हो रहा है, तो एक पेपर देने के लिए इनको जगह 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 हर अलग अलग सिटी में शहरों में जाना पड़ता है। और एडमिशन तो उसको जेएनके में लेनी है, तो फिर बाहर इन्होंने क्यों इसको परेशानी के लिए ये सारा प्रोसीजर बनाया हुआ? वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे अगर काबिल हैं उनको एडमिशन दो, जो पास हुए हैं उनको एडमिशन दो। ये अगर सेंटर बनाने भी हैं तो जम्मू में बनाओ जी, उनके पेरेंट्स को बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, अब 3-4 हज़ार रुपया रेंट खर्चेगा, अपने पेरेंट्स को ले जाएगा, पेरेंट्स जाएंगे साथ में, कहीं पे कमरा लेंगे रहेंगे, उनको भी तो दिक्कत है ना जी। ये सारा सिस्टम जम्मू के अंदर ही होना चाहिए, इनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी। वेलकम। रोजगारी, ये सड़कों का मसला, गलियों का मसला, बिजली पानी, हम ये चाहते हैं कि ये हो, ये हल हो जी, हल हो, और बच्चों की नौकरियां लगे हर बच्चे की। आपको और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं अभी? बस बच्चे बेकार हैं, और ये क्या नाम इसका, ये गलियां सड़कें आप खुद ही देख रहे हैं, गलियों की हालत खराब, गलों की हालत खराब है, और बिजली भी टाइम की आती है, पानी नलका आता नहीं जी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा जी। आप जो भी आने वाली सरकार होगी जम्मू कश्मीर में उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए कि हमारे जम्मू के अंदर, जेएंडके के अंदर, जैसे आपको पता ही है यूटी है, तो जो पिछली सरकार काम कर रही थी उसने काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो जेएंडके के अंदर किया है। जम्मू के अंदर जैसा आपको मालूम है एम्स बना है, और इधर बावे माता रानी के अंदर गंडोला बन रहा है, तवी के ऊपर भी झील बन रही है, तो हर तरफ जम्मू के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वरना हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो भी पैसा सेंटर से आता था वो सारे का सारा कश्मीर में ही जाता था, जम्मू के अंदर बहुत कम पैसा लगता था। तो मैं समझता हूँ कि यही सरकार जो है वो वापस आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, ताकि नरेंद्र भाई मोदी जो देश को बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं उनकी आगे भी सरकार जो है वो मजबूत हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनकी ही सरकार बननी चाहिए। मैं आपका कैलाश। आप आने वाली जो भी सरकार होगी आप उससे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? मेरी उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन जो सरकारें इस समय चल रही हैं उन्होंने भी अपना जो रुख है वो दिखा दिया है कि उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने ऐसी बेकारी की है, और बेरोजगार जो है वो युवा जो है
जिनको नौकरी नहीं है बिल्कुल, उन्होंने तो आते ही पहले नौकरी उनकी ख़त्म कर दी है। जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं अपने लाखों रुपए उन पर लगा रहे हैं, लेकिन उनका रोज़गार बिल्कुल ही नहीं है। और ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। देखो सरकार तो कोई भी ठीक नहीं होती, लीडर अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन वो लीडर चाहिए जो लोगों के बारे में सोचे। रोजगार बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर एक माँ बाप को उनका खर्चा करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और आजकल आप देख रहे हैं जो धंधे चल रहे हैं, कोई चोरी हो रही है, कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई किश बेच रहा है, वो क्या वजह है? यही वजह है कि उनको बेरोजगार कर दिया है। पढ़े लिखे हमारे अपने बच्चे हैं जो कि डिग्रियाँ करके घर में बैठे हैं, उनको चाहिए कि नौकरी। पहले होता था, चलो पहले भी सरकारें होती थी, लेकिन कम से कम रोजगार तो देती थी ना। आज महंगाई का कितनी महंगाई हो चुकी है, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो भी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी, कुछ नहीं है। अब ये आ रही है J&K में सरकार, चलो बनेगी, लेकिन 10 साल के बाद लोगों का मूड चेंज हो चुका है। अब ये भी दोबारा ये कह रहे हैं, अब मैंने एक किसी लीडर को कहा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो कहते हैं कि एक पंचायत से मैं 10 या 15 बंदों को नौकरी दूंगा, एक पंचायत से मैं 15 बंदों को नौकरी लेगा। और कितनी पंचायतें हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कपूर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग तो जैल बाजार के रहने वाले हैं, जुलाका मोहल्ला। तो आप आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं कि क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी जो आप चाहते हैं पूरी होनी चाहिए? देखो जेडी सरकार पिछले 10 सालों से काम कर रही थी, उन्होंने तो बता दिया कि वो किस तरह से काम कर रही है। अब जो चेहरे नए होने चाहिए जिससे यूथ को बेनिफिट हो, और रोजगार की मेन बात रोजगार की। आज आप देखोगे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि ड्रग्स पे हम लोग काम करें। बाकी सरकारें अगर लोगों को रोजगार देंगी तो डेफिनेटली इसमें ड्रग्स का भी काम कम होगा, और चोरियाँ हो रही हैं जो आए दिन आप देख ही रहे हो मीडिया वाले, तो मतलब इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। और बाकी नई सरकार को यही उम्मीद चाहेंगे कि जॉब्स का जो वादा करते हैं, जैसे 15 लाख का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज होनी चाहिए और एजुकेशन वाले मिनिस्टर होने चाहिए, एजुकेटेड। ये नहीं है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं आपने उनको टिकट दे दिया तो वो ना पॉलिसी बना सकते हैं ना वो काम कर सकते हैं। तो हमारे पब्लिक ओपिनियन के इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके जम्मू संभाग के, उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि हाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और वो चाहते हैं कि यही सरकार जो है वो दोबारा से रिपीट होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया। दूसरा, नशे के बारे में बात की गई है कि नशा जो है वो जम्मू कश्मीर से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे में लोगों की ये सारी उम्मीदें आज हमने आपको द अर्थ न्यूज़ के माध्यम से दिखाई हैं। अब आप बताएं कि आपकी आने वाली सरकारों से क्या उम्मीदें हैं। हम जल्द ही आपके एरिया में भी ज़रूर विजिट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।